हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है मैं आज हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं कमर दर्द के लिए, महिलाओं की जेंट्स की आम समस्या है कमर दर्द, इससे निजात कैसे पाएं, योग प्राणायाम एवं आहार धारा। मेरे साथ संगीता जी हैं जो योगाचार्य भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है और बहुत रिसर्च भी कर रही है, सेवा भाव से योगासन नियमित रूप से सिखाती हैं, करती हैं और प्रयोग करती हैं। तो आइए इनसे जाने ये कैसे कैसे योगासन करनी है संगीता जी के साथ। अब संगीता जी आपको कमर दर्द के लिए, कमर दर्द से निजात पाने के लिए योगासन करके दिखाएंगे। नमस्ते। कमर दर्द जो वात रोग के कारण होता है, वात दोष की वजह से ही कमर होता है, और कमर को मजबूत करने के लिए हम कुछ आसन करेंगे। जैसे सबसे पहले पीठ के बल लेट के कमर के बल इस तरह से लेट जाएंगे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दाएं पैर को श्वास को भरते हुए इस तरह से ऊपर उठाएंगे और रोक के रखेंगे। हमने बायां पैर जो घुटने से मोड़ा है, ये कमर के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं देने देगा, इसलिए मोड़ा है। श्वास को खाली करते हुए रखेंगे। अभी ही क्रिया बाएं पैर से करेंगे, कोई भी आसन करते समय रिलैक्स जरूर रहना है, मन शांत रहे और जहाँ पे खिंचाव आ रहा है वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत हो रही हैं। श्वास को खाली करते हुए इसको हम 3 बार दोहराएंगे, हमने एक ही बार किया है। इसके बाद करेंगे हम जो कमर के लिए बहुत अति आवश्यक है, जिसको साइटिका, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो साइटिका दर्द से भी बहुत जल्दी आराम के लिए पवन मुक्त आसन में इस तरह से अब इस दोनों पैरों को क्रॉस लेग करेंगे। श्वास को खाली कर देंगे, दोनों पैरों को इस तरह से जैसे हम बैठ के बटरफ्लाई करते हैं, हम ये लेट के बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर को मिलाएं और बटरफ्लाई करें।
10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक हम कर सकते हैं। बाई से पट्टे के उठ के बैठ जाएंगे, इसके बाद पेट की बल करेंगे। साइटिका में हम ज़्यादा आसन नहीं कर पाते हैं। 4 हमने पीठ के बल किए और 2 आसन हमने पेट के बल किए। आगे झुकने वाला कोई आसन नहीं करेंगे और ये नियमित दिन में 3 बार करना है, सवेरे, दोपहर, शाम। नमस्ते, थैंक यू।